हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हेल्पफुल एजुकेशन में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं किसान पंजीयन कैसे करना है बिना ओटीपी का। ओके, अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है फिर भी आप किसान पंजीकरण कर सकते हैं, किसान रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो या ना हो। ओके, तो आज मैं ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आपको बिना ओटीपी का जो है आप किसान पंजीकरण कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डायरेक्ट आप उस पर क्लिक करके इस पे पा सकते हैं। ओके, ये वेबसाइट है। ओके, उसके बाद यहाँ पर पंजीयन पर आपको क्लिक कर लेना है, डायरेक्ट आप इस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ से आपको नीचे कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंजीयन करें पर आप क्लिक करना है। ओके, यहाँ पर आप एक बात को ध्यान रखना है कि ये जो पंजीयन जो होगा 9 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको सिंपली जो है पंजीयन करें पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप पंजीयन करें पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर सीएससी सेंटर, ओके, अगर सीएससी सेंटर आपके पास है तो इसे कर सकते हैं सहज या फिर जनरल यूजर। ओके, तो यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर जनरल यूजर सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि नहीं आपके पास सीएससी है नहीं सहज है तो आपको जनरल यूजर सेलेक्ट करना है। ओके, अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है, ओके, तब आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन आज मैं एक तरीका बताने वाला हूँ कि अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, अगर आपका मोबाइल नंबर बंद हो गया है, खो गया है, तो आप कैसे जो है किसान पंजीयन करेंगे। ओके, तो आपको सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, प्लस बाय ऑटो। ओके, तो यहाँ पर आपको सेकेंड ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ओके, तो लेकिन इसके लिए आपको एक मार्को की आवश्यकता पड़ेगा, इसके लिए आप जो है महिंद्रा या फिर मार्को का यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट की जरूरत पड़ेगा जिसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ओके, चलिए यहाँ पर डिवाइस नेम आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं मार्को कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो है आपको आधार नंबर इंटर करना है और यहाँ पर आपको आधार के अनुसार नाम जो है वो आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। तो यहाँ पर आपको जो है आधार नंबर इंटर कर देना है, वहाँ पर आपको आधार के अनुसार जो है नाम इंटर करना है। ओके, इसके बाद जो है आपको यहाँ पर स्टार्ट कैप्चर पर आपको क्लिक कर लेना है। ओके, आपको जो कोई भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं तो उसको यहाँ पर लगा के रखना है। ओके, यहाँ पर आपको स्टार्ट कैप्चर पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक, तो आपको जो है एक लाइट चलेगा आपके स्मार्टफोन में। ओके, तो आपको यहाँ पर जो है आपको अंगूठा या कोई भी एक उंगली यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं टिक लगा हुआ आ गया है और राइट का। ओके, उसके बाद जैसे ही कैप्चर ले लेगा, अंगूठे का निशान ले लेगा, तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पर ऑप्शन टिकेट पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए इस ऑप्शन में आपको क्लिक कर लेना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको उसमें यहाँ पर आपको वेट करना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर पूछ रहा है क्या आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड लिया है। ओके, अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड लिए हैं तो यहाँ वहाँ सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपको नो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ओके, चलिए नो पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं होगा क्योंकि आपके पास आप जो है फर्स्ट पंजीयन कर रहे हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर नहीं सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको किसान पंजीकरण आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तीन ऑप्शन है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपको किसान पंजीकरण आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा। ओके, उसके बाद फर्स्ट जो ऑप्शन है किसान का पता। ओके, तो यहाँ पर आपको स्वयं सेलेक्ट कर लेना है। ओके, स्वयं सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पर ये जो है आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका नाम जो है यहाँ पर आ चुका है और यहाँ किसान का अंतिम नाम यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, ये आप देख सकते हैं कि ये ब्लैंक हुआ हुआ है। यहाँ पर आपको पिता माँ या पति का नाम आपको इंटर कर देना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देना है। आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपका 18 ईयर्स प्लस है तभी आप किसान पंजीकरण कर सकते हैं, अगर आप एक फार्मर है तो। ओके, अगर आप किसान है तो आप किसान पंजीकरण आसानी से कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर उम्र जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर आपको लिंक सेलेक्ट कर लेना है। ओके, यहाँ पर आपको जाति सेलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर कृषक श्रेणी, ओके, ये आपको यहाँ पर लघु कृषक 1 से 2 हेक्टेयर सेलेक्ट कर लेना है, ये आपको अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ प्रखंड सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर ग्राम पंचायत आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको गांव सेलेक्ट करना है, जिस गांव में भी आप रहते हो आधार कार्ड के अनुसार ही आपको सभी डिटेल्स आपको एंटर करना है। ओके, अगर आप इसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है, आप मोबाइल नंबर चाहे तो आप बैंक अकाउंट के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक हो वो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, या आधार कार्ड के साथ जो भी लिंक हो वो आप इंटर कर सकते हैं या दूसरा भी दे सकते हैं। ओके, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर कर सकते हैं आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो कि नहीं। ओके, लेकिन आपको एक बात बस ध्यान रखना है, बैंक अकाउंट आपके आधार के अनुसार होना चाहिए, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप किसान पंजीकरण करने के बाद जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन करेंगे या कोई भी सरकारी सेवा के लिए आवेदन करेंगे तो आपको यहाँ पे किसान पंजीकरण को आपको संभाल कर रखना है और आधार कार्ड के अनुसार जो है बैंक का डिटेल्स होना चाहिए और बैंक जो है आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए तभी आपको पैसा मिलेगा। ये बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पर बैंक का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना, जिस जो भी बैंक आप यहाँ पर देना चाहते हैं। यहाँ पर आपको IFSC कोड दे देना है
आप वही बैंक यहाँ पर दो दे जो बैंक आधार कार्ड से लिंक हो और सही हो। ओके, आप कोई भी बैंक यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपके पास उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, कोई भी बैंक आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, लेकिन आप जो है एक बार चेक कर लें कि आपके बैंक अकाउंट के साथ आधार नंबर लिंक है कि नहीं। ओके, तो हमारे मैं इस पे भी वीडियो बना चुका हूँ कि आप कैसे चेक करेंगे आधार कार्ड से बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक है कि नहीं, तो आपको वो वीडियो दे सकते हैं, आपको आई बटन पर लिंक मिल जाए। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर इंटर कर देना है। ओके, अकाउंट नंबर इंटर करने के बाद तो आपको यहाँ पर सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सभी डिटेल्स को एक बार आपको चेक कर लेना है। आपको ये ध्यान रखना है तो आपको आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर सही सही देना है। अगर कोई भी मिस्टेक होगा तो बाद में आपको दिक्कत होगा। ओके, आप चेंज कर सकते हैं बाद में। ओके, परंतु आपको जो है सभी जो डिटेल्स है वो सही सही देना है। उसके सभी डिटेल्स आपको चेक करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। चलिए यहाँ सबमिट का ऑप्शन क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर जो भी मोबाइल नंबर आप इसमें दिए हैं वो मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी जाएगा। ओके, ओटीपी आपको इस यहाँ पे इंटर करना है। ओके, अगर आपको मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं जा रहा है तो आपको यहाँ पे रिसेंट ओटीपी आपको क्लिक कर लेना है। तो दोबारा आप मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजवा सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको यहाँ वैलिडेट ओटीपी पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए यहाँ से वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करना है। तो वैलिडेट ओटीपी आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ओटीपी जो है वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको फिर से एक बार पूरी डिटेल्स आपको चेक कर लेना है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर पर आपको क्लिक कर लेना है। ओके, चलिए यहाँ पे रजिस्टर पर ऑप्शन ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो रजिस्टर के ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका पंजीयन संख्या ये है। ओके, आपको ये पंजीयन संख्या जो है वो कॉपी करके या प्रिंट करके आपको रख लेना है। आपको सिंपली यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस मिल जाएगा। ओके, अब किसान पंजीकरण आपका कंप्लीट हो गया। ओके, यहाँ पर आपको प्रिंट करके या फिर इसको सेव करके आपको रख ही लेना है। ओके, ये आपको हमेशा काम आएगा। ओके, जब तक ये कोई भी सरकारी सेवा में आपको यहाँ किसान पंजीकरण यानी कि ये जो 13 अंक का जो है किसान पंजीकरण नंबर, इसका आपको काम पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, तो आपको यहाँ प्रिंट करके रख लेना है। ओके, अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 24 घंटे के बाद आपको आवेदन करना है। ओके, क्योंकि 24 घंटे के अंदर जो है अपडेट हो जाता है, आपका किसान पंजीकरण कंप्लीट हो गया है। आप किसी भी सेवा के लिए, कृषि इनपुट चाहे कोई भी हो जो बीत गया है, या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए किसी भी तरह के सेवा के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ओके, तो यही पूरी कंप्लीट डिटेल था। ओके, तो अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें। अगर आप और भी कई दिक्कत आ रहा है फॉर्म अप्लाई करने में तो आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, हमें वहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, आपको वहाँ पर फोन से जो है रिप्लाई मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो की लाइक और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला। थैंक यू फ्रेंड्स।